हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास सेवन्थ में चैप्टर नंबर सिक्स कुंती, और आज हमारे साथ पढ़ रहे हैं राम बाबू। ठीक है, देखो चलें। राम बाबू यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। देखो यदुवंश, भगवान किस कुल में जन्म लिया था भगवान ने? यदुवंश यानी यादव वंश। ठीक है, जैसे भगवान राम थे रघुकुल, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है बेटा, उनके प्रथा नाम की कन्या थी। इधर देखो राम बाबू, उनके कौन थी? प्रथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान ना थी। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज की गोद में दे देंगे। ठीक है, उसी के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद दे दी, उनको गोद दे दिया। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। क्या पड़ गया बेटा? कुंती। ठीक है, कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने एक वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा सुश्रुषा की। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए। दुर्वासा ऋषि होते हैं प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। ठीक है, और वो ना कहीं रुकते नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी वो क्या करते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। कहीं जब मन करता है भ्रमण में रहते हैं। ठीक है, अभी दुर्वासा ऋषि के बारे में बहुत अच्छी कथा मैं तुझे बताऊंगा राम बाबू। ठीक है, ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें दान करेगा। यानी जिसका भी तुम ध्यान करोगी और वो क्या तुम्हें देगा, देखो ध्यान से, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। जिसका भी देव का ध्यान रखोगी ना, वही अपने समान अपने बराबर का तेजस्वी पुत्र तुम्हें देके जाएगा, दान करेगा। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडल से सुशोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन यहाँ दिक्कत ये हुई कि कुंती का भी विवाह नहीं हुआ था, और विवाह से पहले ही बच्चा कहाँ, यानी कर्ण का जन्म हो गया। समझ आई बात बेटा? ठीक है, लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। भाई विवाह नहीं हुआ और उससे पहले संतान आ गई तो लोग हंसेंगे, कुछ बुराई करेंगे। ठीक है, इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर अधीरथ नाम के एक सारथी की नजर उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। जैसे वो ना बाहुबली वाली पिक्चर थी, उसमें तो क्या दिखाया, वो हाथ पे बिचारी रखे रखती है, लेकिन उन्होंने क्या करा, एक पेटी में डाल के गंगा जी में बहा दिया। ठीक है, और किसे मिले बेटा, बोलो किसे मिले? गंगा की धारा में बहा दिया और अधीरथ। देखिए ऐसे यही तो इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि कर्ण को, मतलब कुंती ने कर्ण को गंगा जी में बहाया तो किसको मिले, तो किसको, अधीरथ नाम के एक सारथी की नजर उस पर पड़ी। कौन थे? अधीरथ नाम के। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधीरथ निसंतान था, उनकी कोई संतान नहीं थी। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्य पुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। सूर्य पुत्र थे क्योंकि उन्होंने सूर्य की आराधना की, तो क्या हुआ, उन्होंने कहा नहीं, किसने उनको दिया था, दुर्वासा ने कहा था, ऋषि दुर्वासा ने, जिस देव का तुम ध्यान रखोगी करोगी और वैसा ही पुत्र तुम्हें अपनी शक्ति के बराबर वो तुम्हें दे जाएंगे। तो कौन हुआ, वो कौन हो गया बेटा, सूर्य पुत्र। कौन? कर्ण। कर्ण। ठीक है, इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए थे, किंतु कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से विवाह हो गया। वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में
एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी, मतलब एक से ज्यादा विवाह कर लो। इसी रीति रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्र राज की कन्या माद्री से भी ब्याह किया। कितने विवाह हो गए? दो विवाह। एक किससे हुआ? कुंती से। किसका हुआ? पांडु का। और दूसरा ब्याह किससे हुआ? माद्री से। समझ आ रही बेटा बात? ठीक है। एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने गए, वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ऋषि दंपत्ति हैं, मतलब वो पति पत्नी हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदान का पांडु से जिक्र किया। उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा ऐसा श्राप किसने दिया है? उन्होंने दिया है, दुर्वासा ऋषि से श्राप मिला हुआ है, मुझे वरदान मिला हुआ है, सॉरी। उसने किसने बताया? कुंती ने। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदान का पांडु से जिक्र किया। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई बरस वन में रहे। परंतु वसंत ऋतु थी, सारा वन आनंद में डूबा हुआ था, प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की उस उद्गमय सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के साप का असर हो गया, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, माद्री के दुख का पार ना रहा, पति की मृत्यु का वह कारण बनी यह सोचकर पांडु के साथ ही वह ही मर गई। कौन मर गई? माद्री। अब बची कौन? कुंती। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा ना रही, पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द किया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। युधिष्ठिर जो थे वो कितने वर्ष के थे? 16 वर्ष के। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई तो उनके शोक की सीमा ना रही। भाई राजा मर जाएगा तो लोगों को दुख तो होगा ना। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका के साथ लेकर वन में चली गईं। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रहीं और बाद में स्वर्ग सिधार गईं। अंबिका और अंबालिका अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें ना देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा।